आम बात है कि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को आसान बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखी जाती है, क्योंकि ये भाषा फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और संस्कृत से अधिक आसान है। इस भाषा की सहायता से हम आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को सबसे प्रगतिशील विचारों और वर्तमान विचारों के संपर्क में रख सकते हैं। अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा के रूप में उभरी है। ये धारणा करना गलत है कि ये अकेले ब्रिटिश की भाषा है। अंग्रेजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है। उच्चतर पढ़ाई के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण पुस्तकों को अंग्रेजी में ही लिखा गया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में भारतीयों को अपनी आँखें बंद नहीं करनी चाहिए और अंग्रेजी को अपनाना चाहिए। देश के गांव देहात, दूर दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों में इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़ी सूझबूझ तो होती है, परंतु वो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन पर पकड़ बनाने की क्षमता में पिछड़े होते हैं। इसलिए अकादमिक और करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। शिक्षा और कैंपस व ग्रुप इंटरव्यूज में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी कम्युनिकेशन पर आपकी पकड़ मजबूत हो। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लखनऊ आपके इस परेशानी को दूर करने के लिए जिशान सर और मृदुल सर तत्पर हैं। नमस्कार, भल लाइव 24 के खास कार्यक्रम नए सबेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त अश्विन मिश्रा। आज हम अपने सेगमेंट में, जैसा कि नाम ही है नया सबेरा है, मैं आज नया सबेरा में एक ऐसे मुद्दे को लेके आपसे रूबरू हो रहा हूं, जो हमारे भारत में हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के सपनों के साकार करने में मदद करता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाषा, ऐसी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आती है, बोली जाती है। उसके बिना आज हमारा जीवन अधूरा सा रह गया। जीवन अधूरा सा का मतलब है कि हमारा छात्र जीवन सा अधूरा रह गया। मैं आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो काफ़ी कठिन परिस्थानीय से गुजरे और बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे, लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ से बहुत सारे बच्चों के सपनों को सजोया और उनके सपनों को साकार करने में मदद भी की। चलिए इंटरव्यू सेगमेंट के आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जिशान सर जुड़े हैं। जिशान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। थैंक यू अश्विन जी, हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। जैसा कि आप दर्शक जानते हैं, हम विभिन्न मुद्दों को लेके आपसे रूबरू होते हैं। आज एक मुद्दा है एजुकेशन सर। मैं जिशान सर से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। सर, एक चीज बताइए, आप जब शुरुआत किए थे, आपको क्या लगा कि हमारे सोसाइटी में इंग्लिश कितनी जरूरी है? आपको कौन सी प्रॉब्लम हुई कि आपने एक इंस्टीट्यूट डाल दिया और हजारों बच्चों को जीवन साकार करने में लगे हुए, बताएं हमारे दर्शकों को। तो जो मेरे इंस्टीट्यूट की संस्थान की जो शुरुआत हुई थी, आज से 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले मैंने अपने इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। तो ब्रिटिश को, वैसे मेरे को यहाँ पे 1 साल हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ अभी सभी दर्शकों के लिए कि मुझे कब लगा कि मुझे एक इंग्लिश मेरी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो मेरी भी इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही होगी, ऐसा नहीं है। एक बार की बात थी जब मैं छोटा हुआ करता था, शायद मैं 9th और 10th में हुआ था, तभी उस समय जब ATMs का चरण थोड़ा स्टार्ट हुआ था,
उस समय की बात थी कि मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा जरा एटीएम ले जाओ और थोड़े 2000 रुपए निकाल लाना। अब जब मैं 2000 रुपए निकालने के लिए एटीएम की तरफ गया तो उस समय मैं भी एक सभी लोगों की तरह यूपी बोर्ड का बच्चा था, तो मुझे भी इतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। तो मैं एक एटीएम पे गया और वो मेरा पहला टाइम था एटीएम की लाइन में, और मैं खड़ा हुआ था, थोड़ा सा इनसिक्योर भी था अंदर से कि कैसे क्या करूंगा, लेकिन पापा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी तो उसके लिए मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है, पापा ने कोई काम दिया है मुझे और पहली बार मैं एटीएम को जा रहा हूं, तो थोड़ा सा एंथुसियाज्म भी था मेरे अंदर। और मैं एटीएम की लाइन में लग गया, और जैसे ही मैं एटीएम की लाइन में लगा हुआ था तभी देखता क्या हूं, दो लोग आगे मेरे थे और एक लोग मेरे पीछे थे। जो मेरे पीछे खड़े हुए थे वो थोड़े से बुजुर्ग रहे होंगे, थोड़े अंकल जी जो थे वो थोड़े से बुजुर्ग थे। अब थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ी तो मेरी बारी आई, तो मैं भी एटीएम की लाइन में अंदर चला गया। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एटीएम में लगे होते हैं तो एक जो कोई साथी आपके साथ पीछे से होता है वो एंटर कर जाता है आपके साथ, तो वो भी मेरे पीछे से एंटर हो गए। तो मेरी बारी आई, अब पहला टाइम था मेरा, मैं नर्वस था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और जैसे ही मैंने एटीएम स्वाइप किया तो वहां पे दो ऑप्शन आ गए, हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने वही इंग्लिश चूज किया था उसमें से। अब जब मैंने इंग्लिश चूज किया तो सडनली जैसे ही मैंने इंग्लिश चूज किया तभी चार पांच लाइनें और पॉपअप हो गई वहां पे, विड्रॉल की पॉपअप हो गई, एक दो लाइनें और पॉपअप हो गई। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कौन सा सवाल उसमें, कौन सा ऑप्शन चूज करूं। तो इसके लिए जैसे ही मैंने एक सवाल चूज किया, एक ऑप्शन चूज किया उसमें से, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन चूज करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब जो मेरे पीछे अंकल जी लगे हुए थे वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगे। अब जैसे ही वो इरिटेट होने लगे उनने मुझसे एक ही सवाल किया, बेटा जब इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी क्यों नहीं चूज करी आपने। तो ये जो मेरा इंसिडेंट था मेरे साथ, उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए। सर काफी रोचक किस्सा रहा आपका, एक हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे आज फराटेदार इंग्लिश बोलता है। उम्मीद करते हैं आपसे इंस्पायर होकर काफी बच्चे जो देख रहे होंगे वो भी ये करेंगे। दूसरा सवाल हमारा है मृदु सर से। सर अक्सर देखा जाता है, हमारे मेल के माध्यम से सवाल आया है कि लोगों को अक्सर बच्चों को इंग्लिश तो आती है लेकिन वो बोलने में शर्माते हैं, वो इस समस्या को कैसे फेस करें और कैसे दूर करें, मृदु सर बताएं हमारे दर्शकों को। थैंक यू रोशन जी इस सवाल के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन हम लोग को जरूरत है उसको सुधारने का। ठीक है, मौका मिलता है तो हम लोग हर चीज़ को सुधारते हैं, लेकिन इंग्लिश के मामले में अगर बात करूं तो अक्सर 90% लोग सोचते हैं कि यार मैं, मुझे आती है, मैं बोलूँ कैसे, क्या यूज़ करूँ, अक्सर कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। इसको बोल सकते हैं कि अपने ऊपर शक करना, कि अक्सर मुझे पता रहता है कि यार कि ये बोलना है, फिर भी हम अपने ऊपर डाउट करते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं गलत निकल जाए, लोग क्या कहेंगे। ऑफ कोर्स ये चार लोग जो होते हैं लाइफ में अक्सर हम लोग को आगे बढ़ने से रोकते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और मैं भीड़ में अगर इंग्लिश बोलूँगा तो लोगों का रिएक्ट कैसा होगा। थैंक यू। वाकई में सर, ये जो भी हमारे बच्चे देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, वो इन दिशा निर्देशों का पालन करें और वाकई में अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर और भी परेशानी हो तो सर दोनों सर आपके लिए उपलब्ध हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, और लखनऊ जब भी आएँ तो आप यहाँ विजिट कर ही सकते हैं। तो सर आपको इसी पे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब इस शुरुआत में आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, उनसे जब मुलाकात करते हैं, वो उनकी सामान्य सी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको आप कैसे लेते हैं और फेस करते हैं, कैसे उनका निवारण करते हैं। अश्विन जी देखिए ऐसा होता है कि ना, अक्सर हम लोग के पास जब भी कोई इंक्वायरी आती है, जब भी कोई आता है यहाँ पर कि सर कोर्स करना है मैं, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन होता है कि सर आपको क्या प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो उनका एक बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उनको सर दिक्कत होती है सिर्फ रिप्लाई करने में, मतलब समझ में आता है अब हमको क्या बोलना है, क्या बोलना है वो सही है गलत है ये नहीं पता लग पाते हैं। ठीक है, अक्सर तो बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है गलत है, या फिर इस चीज़ का एग्जैक्ट आंसर यही है। भाषा कोई भी हो, अगर आप सीख रहे हैं तो आपके अंदर मन में ये सवाल कभी ना हो कि मैं गलत बोलूं। जो इंसान गलतियां करता है वही सीखता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, उस पर अच्छी पकड़ करना है, तो आप उन चार लोगों को ना देखें जो कि दिखते नहीं कहीं हैं, तो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अच्छी इंग्लिश बोलें। इसी को और बढ़ाते हैं, हम सर से पूछेंगे। सर एक विद्यार्थी, उसके उसको अंग्रेजी तो बहुत अच्छे तरीके से आती है क्योंकि हमारे पार्ट में, हमारे सिलेबस में अंग्रेजी होती है, लेकिन वो सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते, ऐसे समस्या वो कैसे दूर कर सकते हैं। अश्विनी बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने मुझसे कि शब्दों का चयन, जिसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी। ठीक है, तो वोकैबुलरी का जो चयन किया जाता है, मेरे लिए, मैं अगर जहां तक मैं समझता हूं, मुझे जहां तक लगता है, शब्दों का चयन आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। लाइक होता है ना कि जितना आप इंग्लिश को बोलेंगे, कहते हैं ना कि एक इंसान जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही वो सीखता है।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक सबसे इंग्लिश में कहावत कही जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सबसे पहला इंग्लिश बोलने का जो पहला स्टेप है वो तो है आपका बोलना। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चल पाएगा कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत यहाँ की हुई है। यहाँ सबसे बड़ा डर स्टूडेंट्स के अंदर से निकाला जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। तो वही है, एक तरीके से हम उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि पहले आप बोलिए, गलत बोलिए चलेगा, लेकिन जब आप बोलेंगे ही नहीं तब तक हम आपकी समस्याओं को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको सुधार भी सकता हूँ आगे। इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूशन सारी चीजों पर काम भी करता है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी बच्चे देख रहे हैं सेगमेंट हमारा, और कोई जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट लाइव में ही अंग्रेजी फराटेदार बोलना सीख सकते हैं। उम्र का कोई बाण नहीं होता। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो यहाँ रीति रिवाज हैं, हम कभी भी किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 40 प्लस के हैं तो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। आप इंस्टीट्यूट में आइए, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 40 45 50 साल के हैं, जो यहाँ आते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल के जाते हैं और इंस्टीट्यूट का नाम तो करते हैं और साथ में अपना खुद का नाम करते हैं। सर, इसी पे एक और सवाल। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वो अंग्रेजी फराटेदार बोले, लेकिन उनके पास न संसाधन होता है न पैसा होता है कि वो लखनऊ जैसे शहर में आके रुके और आपकी कोचिंग ज्वाइन कर सके। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल करने के लिए। अश्विनी जी, हम लोगों ने अभी जो आपने सवाल किया मुझसे कि कैसे एक गरीब घर का बच्चा हमसे जुड़ सकता है, तो जैसे कि हमारे देखा भी होगा आप लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, और उनके पास संसाधनों की भी कमी होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता है वो कैसे अपने आप को कम पैसा खर्च करके, या तो मैं कहूँ बिना पैसे के, वो कैसे सीख सकता है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक इनिशिएटिव है, एक तरीके से कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया। तो हमने भी इस डिजिटल इंडिया की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश विद ब्रिटिश, तो हमने अभी उसकी शुरुआत की हुई है। तो हम रोज डेली उस पर कुछ ना कुछ नए लेसन्स डालते हैं, जिससे कि एक इंसान, एक बच्चा, एक स्टूडेंट कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में है, वो हम तक पहुंच सके और हमारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। सर, आपने बात की डिजिटल की, मैं मानता हूँ कि जिस दिन हमारा देश में सारे जगह डिजिटल हो जाएगा तो हमारा देश तरक्की करने में उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास नेट, अच्छे सेलफोन, यूट्यूब चलाने के संसाधन भी नहीं। मैंने संसाधन बोला था, वो कैसे घर पे रह के किन आम चीज़ों से जुड़ के, या आस पास की चीज़ों से, या किसी से पुस्तक से जो उनके पास है, या कोई और संसाधन हो जिससे वो अच्छी इंग्लिश बोल सके, वो क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं एक आपको एक कहते ना कि मानसिक, मेंटली, तो मेंटली एक चीज है ऐसी जो एक फॉर्मूला जो हम लोग अपने वहां सिखाते हैं, उस चीज को मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारा खुद का एक फॉर्मूला है, सी फील स्पीक, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसपे आप काम करते हुए अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हो। अब इस पे काम कैसे करना है आपको, लेट सपोज अगर आपके पास संसाधन नहीं है बट थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होगी, आपने थोड़ी बहुत नॉलेज इंटरनेट से गैदर करी है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपने किताबों से गैदर करी है, कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको करना क्या है, ये सी फील स्पीक, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। कैसे? अगर आप देखते हो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो इंग्लिश बोलने की, तो सबसे पहले सी, सी वर्ड का मीनिंग ये है कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये है, कहीं पे भी आप जाते हो, किसी शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, या घर में ही बैठे हुए हो, तो आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। मींस आपको आंखों से अपनी देखना है और उनको क्या करना है, फील करना है। फील करना है, आप फील कैसे कर सकते हो? अगर आपने कोई चीज देखी, घर पे गए आप, आपने देखा कि आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो आपने क्या किया, उसको देखा, आपने अंदर महसूस किया। अब उन चीजों को महसूस किया आपने और सोचा अंदर कि इंग्लिश में कैसे इसको बोल सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि आपको चीजों को देखना है, महसूस करना है और मन में उसको बोलना है। और इससे होगा क्या, ये एक्सरसाइज ऐसी है, ये आपके एक दिन के लिए नहीं है, दो दिन के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए है कि चीजों को ऑब्जर्व करिए, फील करिए और उनको बोलने का प्रयास करिए। सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वाकई में इसे अपनाना चाहिए। लेकिन सर, इसी पे एक और सवाल, आपने ग्रामीण अंचल के बच्चों के बात की, मैं उन्हीं पे बात करता हूँ। जैसे सर, देखा गया है कि शब्दों का उच्चारण बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो शब्दों का उच्चारण कर सके? क्योंकि वो उनको आता है, वो शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए बोलते नहीं कि लोग हंसेंगे, इसके बारे में बताएं सर। हाँ, देखिए देखिए, हंसना जहाँ तक मेरा सवाल है, ठीक है, जब कोई काम आप पहली बार करते हैं तो अक्सर लोग खिल्ली उड़ाया करते हैं आपकी, वो तो
है, मानता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, हम जहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कि भाई इंडिया, इंडिया में हम लोग जो हमारी जबान है, थोड़ी सी भाषा जो है थोड़ी सी खड़ी भाषा है, तो होता क्या है कि अक्सर हम शब्दों को जब हम बोलते हैं तो हम चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान अपने अपनी जगह से आता है, लाइक हम लखनऊ के रहने वाले हैं, कोई गोरखपुर का रहने वाला है, बट हमें हमेशा क्या करना है, एक चीज़ को ध्यान रखना है, हमें चीज़ों को सुनना है, हमें ध्यान से चीज़ों को सुनना है। सुनने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंटरव्यू आप सुन रहे हो, किसी इंसान को, किसी सेलिब्रिटी को बोलते हुए आप देख रहे हो, तो ऑब्जर्व हमें ये करना है कि वो बोल किस ढंग से रहा है। अगर हमने उसकी ये चीज़ को हमने अपनाया, उसको सुना कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उसके उच्चारण किस तरीके से है, प्रोनंसिएशन जिसको हम बोलते हैं, तो होगा क्या, इन पे हम अगर ध्यान रखेंगे और अगली बार से उन उच्चारण को अपने प्रोनंसिएशन को अपने तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, तो जरूर हाँ, हम अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं और अपने उच्चारण को भी हम सुधार सकते हैं। वक्त की कमी है सर, हम सेगमेंट को खत्म करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोनों सर से। सर, आपके संस्थान से बहुत सारे बच्चे जुड़े और आज के समय में वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और एक अच्छे पोस्ट पे, एक अच्छी कंपनी में, एक ऐसे सोसाइटी में हैं जिन्हें, जिनसे आप कभी कभी मुलाकात होती है, तो मिलने के बाद आपको कितना क्या महसूस होता है, कितनी खुशी मिलती है, आप हमारे दर्शकों को शेयर करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, स्टूडेंट आपके कहीं पे भी पहुंच जाए, आपको लेकिन नहीं भूलते हैं। मैं इसी पे छोटा सा किस्सा बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक मैम थी, उनको मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ाया था, तो उनको मैंने जब 4 साल पहले पढ़ाया था तो उनकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन मैंने उनको, और उनको यूएसए जाना था, यूएसए जाने का मतलब ये, उनके हस्बैंड जो थे वो यूएसए में जॉब करते थे, तो उनको भी यूएसए जाने के लिए उनकी इंग्लिश अच्छी भी होनी ज़रूरी थी, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर थी। तो मैंने उनको एक तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा नहीं, जितनी भी आपको आती है उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो उन्होंने मेरी चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया और आज भी वो है, वो मुझे यूएसए से कॉल करना नहीं भूलती है, आज भी उनके कॉल्स आते हैं मेरे पास और अक्सर वो मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज भी करती हैं, तो अच्छा तो फील होता ही है, आपके स्टूडेंट अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। मेडूर सर, आप भी बताएं, आपके साथ भी ऐसे बच्चे मिलते होंगे जिन्होंने आप, जिनको आपने पढ़ाया था, अब मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है आपके और बच्चों के बीच में और कैसा आप प्राउड फील करते हैं, बताएं हमारे दर्शकों। अश्विन जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब मिलते हैं दोबारा हमारे पढ़ाए हुए तो थोड़ा सा अच्छा तो फील होता ही है। मेरा एक किस्सा रहा था कि हम लोग के दो स्टूडेंट थे साउथ कोरियन के, तो उनकी लैंग्वेज में ये सिस्टम था कि उनको हिंदी भी नहीं आ रही थी और उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो उनको पहले हिंदी में प्रैक्टिस कराई कि हिंदी सिखाई लाइक, फिर उसके बाद हिंदी से उनको इंग्लिश कन्वर्ट कराया। एक्चुअली उन लोग को शायद यूएसए ही जाना था, वो लोग कोरियन से आए थे, कोरिया से आए थे, और उसके बाद जब वो लोग सीख गए, उन लोग ने यहाँ पर वन ईयर स्टे किया, उसके बाद लर्न किया, फिर उसके बाद लोग गए, तो काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ को सुन के कि हम लोग के स्टूडेंट्स आगे भी जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे और भी हर स्टूडेंट्स हैं जो हमसे एज में काफ़ी बड़े हैं, ये इसमें सबसे अच्छा मैटर ये करता है कि इसमें रिस्पेक्ट इतनी मिलती है कि आप उम्मीद नहीं करते हैं बिल्कुल। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट हमारा मिलता है तो खुशी उतनी होती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मिलता है। थैंक यू सर। दोनों सर के एक्सपीरियंस सुन के काफ़ी अच्छा लगा। सर, लास्ट सवाल है सर, आप बताइए भविष्य में क्या करने वाले हैं संस्थान को लेके, किन किन क्षेत्रों में काम करना जा रहे हैं आप, क्या आपका प्लान है, क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? मेरा अगर फ्यूचर का प्लान जो जहाँ तक मैं बनाऊँ, तो मेरी प्लान तो मेरा ये है कि मुझे जितने से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं, अपने कहते हैं ना कि मेरी लास्ट जो सांस होगी मेरे स्टूडेंट्स के लिए समर्पित होगी, तो मेरा, मैंने तो एक तरीके से अपना पूरा ध्यान इसी तरफ बना लिया है। पर हाँ, बहुत ही जल्द हम लोग और भी संस्थान, जो इंस्टीट्यूशन है हमारे लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर भी हम अपने नए इंस्टीट्यूशंस ओपन करने जा रहे हैं। और हाँ, यही समझ लीजिए कि एक तरीके से मैं शायद मरने तक अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाता रहूँगा और यही मेरा एक तरीके से धर्म और कर्म समझ सकते हैं आप। बिल्कुल सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अश्विन जी, वैसे इंग्लिश में एक idiom है, यू कैन से कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं इसको बिल्कुल फॉलो करने के लिए बोलूँगा बच्चों से कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम गलती की है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी को दोबारा भी करें, हो सकता है दोबारा आप गलती ना करें, तीसरी बार आप परफेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप चौथी बार करते तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का भी किरदार है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाते हैं तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हुई थी, लेकिन धीमे धीमे करते करते वो एक एक्सपीरियंस बन गया। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं
तो आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ दो सर ने बेवाकी से बहुत अच्छे बातें रखी हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ इंग्लिश केवल एक भाषा को नहीं सिखाई जाती, यहाँ जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया भी आप इसे मान सकते हैं और अपने घर परिवार अपने देश समाज का नाम रोशन करने का एक प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। क्योंकि सपोज दैट आपको आप ऑस्ट्रेलिया में गए, किसी कंपटीशन लिया, किसी से आपसे कोई बहस हुई, आप तर्क करना, आपको भाषा का ज्ञान नहीं, तो आप कैसे उनसे बहस करेंगे, आप अपनी बात विश्व स्तर पे कैसे रख सकेंगे। तो भाषा आपको सारी आनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेशनल भाषा हमारे यहाँ इंग्लिश है, तो इंग्लिश जानना बोलना बहुत जरूरी है। और आपको डर लग रहा हो कि मुझे ग्रामर नहीं आता, तो निश्चिंत रहिए, ब्रिटिश और ये दोनों सर महारथी हैं इस क्षेत्र के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप आइए, आपको बेहतर इंग्लिश सिखाएंगे और आपको इतना परफेक्ट बना देंगे कि आप जहाँ जाएंगे कुछ और लोगों को कुछ नया ही सिखाएंगे। वक्त हो चुका है विदा लेने के लिए, आप देखते रहिए भारत लाइव 24 और कोई भी सवाल हो इस सेगमेंट को लेके तो हमारे चैनल के ट्विटर हैंडल भारत लाइव 24 के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखते रहिए नया सवेरा कार्यक्रम, कल फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे।